नरेंद्र नागर महोदय, राजस्थान कारागार विधेयक 2023 पर आपने बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत आभार। राजस्थान की सरकार जाते जाते जो बिल जो लेकर आई है, यदि राजस्थान सरकार की मंशा सही होती तो सरकार बनने के तुरंत बाद ये बिल लेके आती और उस पर कुछ इम्प्लीमेंट होता, पर जाते जाते वही काम सरकार के द्वारा किया जा रहा, ना होना है, ना कुछ आना है, ना जाना है। आप सबको पता है, जितने भी माननीय सदस्य है वो भली भांति सब परिचित हैं कि जेल में क्या होता है। किसी भी आदमी को जब सजा होती है या जेल जाने का नंबर आता है तो सबसे पहले उसको जेलर को सेट करना पड़ता है, उसको पता, सबसे पहले उसको जेलर को सेट करना पड़ता है, नहीं तो किस प्रकार की प्रताड़ना उसको कैदी को दी जाती है आप सबको पता है। उसके सेट होने के बाद फिर सब सुविधाएं उसको मिलती है। जेल में भी ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिलती है? मादक पदार्थ है, बीड़ी, सिगरेट, जो भी है, पर उससे 100-100 गुना, 200-200 गुना रेट में वो चीज़ें मिलती है। ये भी सबके ध्यान में है कि आज वर्तमान में जेलों की संख्या बढ़ाने की बहुत महत्व आवश्यकता है। कैदियों से ज़्यादा तादाद में उसको एक एक जेल में उनकी संख्या ज़्यादा जो रखी गई है, इस वजह से कितनी परेशानियाँ और दिक्कतें जो आ रही है वो सभी के सामने है। निश्चित रूप से वहाँ सुविधा होनी चाहिए, वहाँ पर लेट बात जो भी हैं वो सुनने को मिलते हैं कि इस प्रकार अच्छी सुविधा वहाँ पर मिले, इस प्रकार का वातावरण वहाँ पर मिले। बहुत से लोग, पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि ऐसे बहुत से गैंगस्टर हैं जो वहाँ जाकर पूरा संचालन वहाँ से करते हैं, वहीं से सारा काम वो करते हैं। तो आगे आने वाले समय में सरकार इसका प्रयास करे कि जेल में सभी सुविधा हो। जेमर सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, वो मुश्किल से साल दो साल चलते हैं, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर उसके प्रोसेस में फिर टाइम लगता है, और CCTV कैमरे जो हैं वो आधे समय जो ख़राब रहते हैं। तो ये सारी व्यवस्था के लिए विशेष रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए, इसमें सरकार को समय की आवश्यकता है। इसलिए मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से जो मैं चाह रहा हूँ कि 6 माह के लिए इस बिल को जनमत जाने के लिए प्रचारित किया जाए। कालूराम